आप अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बताओ आपका पासपोर्ट बना कि नहीं बना? बोले अभी तो नहीं बना। ये आजादी का नाजायज फायदा उठा। जिस तरह से हम ज्यादा संख्या का अभिमान और गुमान करके एकजुट में होकर के संगठन बनाने का काम कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारी बर्बादी का बहुत बड़ा कारण बनता चला जा रहा है, बहुत बड़ा कारण बनता चला जा रहा है। मैं मानता हूं कि आप अभिमान में, घमंड में, अपने रुतबे में इससे आप पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए, महापुरुषों के इतिहास के लिए ये तुम्हारा कदम बहुत गलत साबित हो रहा है। इसलिए मैं अपील कर रहा हूँ कि जो संगठन अच्छा राजनीति के लिए काम करे उसके साथ सब लोग जुड़ जाइए, और जो संगठन शिक्षा के लिए बढ़िया कार्य करे सब लोग उसके साथ जुड़ जाइए, और जो संगठन समाज के लिए अच्छा कार्य करे सारे लोग उसके साथ जुड़ जाइए, और जो संगठन धर्म के लिए अच्छा कार्य करे सारे लोग उसके साथ लग जाइए। घर घर में संगठन बनाने की जरूरत नहीं है, ये गलत फहमी है आपकी। आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका मिल जाता तो उससे क्या हो जाता है, कौन सा समाज का काम हो रहा है? इसलिए आज हमें जरूरत पड़ी इस देश भारत में कि बहुजन संख्या में ज्यादा है, 85 है, 92 है, 90 है, इसकी संख्या बहुत है, लेकिन बटा हुआ ये अलग अलग बटा हुआ। इसलिए आज हमें जिले जिले पे जाकर के आप लोगों के बीच में बहुजन मैत्री कराने का काम करना पड़ रहा है। मैं आज आपसे अपील करने आया हूँ, कोई भी व्यक्ति एक मार्ग में आगे निकल जाए तो बहुत बड़ी सफलता नहीं होती। जैसे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सरकारी सेवा, ये 5 ऐसे मार्ग हैं, जब तक आप सब में बराबर तरक्की नहीं करते हैं तब तक आप समृद्धि के दायरे में नहीं आते हैं। अगर आप बड़े अधिकारी बनते जाओगे तो कोई पोस्टिंग आपको नहीं देगा। अगर आप अच्छा घर बना भी लोगे उस बस्ती में, उस मोहल्ले में, तो हो सकता रात में आपके घर में लोग चोरी कर लें। इसलिए सबका विकास और सबका सम्मान तभी संभव है जब हमारी सोच ऐसी हो और बुद्ध का मार्ग यहाँ हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तथागत भगवान बुद्ध को अपनाकर, तथागत भगवान बुद्ध की विचारधारा और उनके मार्ग को अपनाकर दुनिया ने बहुत बड़ा विकास किया है। मैंने एशिया के 13 देशों की यात्रा की है, आप लोगों को भी कभी मौका लगे तो जाइए। ये भरतपुर ही राजस्थान है, यहाँ से निकल के जाइए तब आपको पता चलेगा कि दुनिया में बुद्ध का दर्शन किस तरह से फैल गया। भगवान बुद्ध को अपनाकर, उनके मार्ग को, उनके सिद्धांतों को अपनाकर लोगों ने टोयोटा कंपनी बना डाली, लोगों ने सोनी कंपनी बना डाली, लोगों ने डिबांग कंपनी बना डाली, लोगों ने होंडा कंपनी बना डाली, सुजुकी कंपनी बना डाली। ये सारी कंपनियां किसकी है? ये बौद्धों की है। किसकी है? बौद्धों की है। और आप ये बौद्ध बन रहे होते, बाबा साहब की बात मान रहे होते, तो आप भी 4-5 कंपनियों के मालिक बन रहे होते, एक प्लॉट के मालिक नहीं, कंपनियों के मालिक बन रहे होते। बाबा साहब ने हमें अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में जोड़ा, लेकिन हम ब्राह्मणों की बनाई हुई जाति में आज भी जाति जाति के रहे। जापान आपसे संबंध बनाना चाहता है, थाईलैंड, सिंगापुर आपसे संबंध बनाना चाहता है, लेकिन आप बौद्ध ही नहीं है तो कोई संबंध क्यों बनाएगा? मैं आज अपील करने आया हूँ, ये अंतिम लड़ाई है। पहली आजादी हमें मिली थी जब बुद्ध ने मानवता के लिए अपने हाथ बढ़ाकर हम सब लोगों को अपने गले लगाने का काम किया था। बहुजन समाज की पहली आजादी थी, और दूसरी आजादी हमें तब मिली थी जब अंग्रेजों ने आकर के हमें कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया था, पैसा रखने का अधिकार दिया था, और बहुत सारे काम समान शिक्षा लागू करके हमें पढ़ने का अधिकार दिया था, और इतना ही नहीं समान न्याय व्यवस्था लागू करके हमें न्याय दिलाने का काम किया था। इसे मैं दूसरी आजादी मानता हूँ। और तीसरी आजादी तब हमें मिली जब बाबा साहब ने हमें संविधान बना करके दिया, जो तीसरी आजादी थी। लेकिन याद रखना भरत महाराजाओ, चौथी आजादी आपकी उस दिन होगी जब बुद्ध की छाया में आप बुद्ध की शरण में चले जाएंगे, तो आपकी चौथी आजादी होगी। नहीं तो ऐसे ही अपमान भरी जिंदगी जीते रहिए, और अपने संघर्षों के लिए, अपने अधिकारों के लिए आप अपने लोगों से ही लड़ते रहिए। आज मैं
आपसे एक बात कहना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, तथागत भगवान बुद्ध से लेकर के माननीय कांशीराम साहब तक बहुत लोगों ने जन्म लिया है। अगर आप किसी भी महापुरुष की मानोगे, अगर उन्हें छोड़ दोगे, उनका सम्मान नहीं करोगे, उनके बारे में नहीं पढ़ोगे, तो आपके जो दुश्मन लोग हैं वो सब ब्राह्मणीकरण कर देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि बुद्ध से लेकर के अब तक जितने भी संत गुरु महापुरुष पैदा हुए हैं अपने बहुजन समाज में, उन सबका सम्मान करने की